नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं पारंपरिक पालक की हेल्दी थाली पीठ की रेसिपी। यह बहुत ही हेल्दी होती है, तो फिर चले देर किस बात की, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस थाली पीठ को बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप गेहूं का आटा, 1/3 कप चावल का आटा और 2 चम्मच बेसन का आटा। इसके बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ एक छोटा सा प्याज, धनिया पत्ता, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, इसे ऐसे हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, यह है हरी मिर्ची और लहसुन की पेस्ट, जिसे कि 2 हरी मिर्ची और 6 लहसुन को क्रश करके लिया है, स्वादानुसार नमक, लगभग 2 चम्मच दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम इसमें डालते हैं पालक। पालक को मैंने बिल्कुल ही बारीक बारीक काट कर लिया है। इसे ऐसे हाथों से मिलाते हुए पतला सा डो लगा लेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं, बस इसको जब हम हाथों से फैला लेंगे तो ये आराम से फैलना चाहिए। अगर आपको जरूरत लगे तो इसमें पानी डाल के इस तरह का डो बना ले, और उसके बाद क्या करे दोस्तों, इस तरह की पॉलिथीन लेकर उस पे तेल डाल दे और तेल को ऐसे फैला ले। अब इसके ऊपर बनाए हुए डो में से थोड़ा डो इस पे रख देंगे और ऐसे उंगलियों से फ्लैट करते रहेंगे। दोस्तों, ये मैं छोटे साइज के थाली पीठ बना रहा हूँ, आप छोटा बड़ा जैसे चाहे वैसा बना सकते हो। ऐसे फैला लेने के बाद इसके बीचों बीच एक होल कर देंगे और इसको उठा के इस पॉलिथीन से अलग कर लेते है। ये देखो आप, इसे बनाना एकदम ईजी है। अब इसे हम पका लेंगे, तो उसके लिए मैंने पैन में 1 चम्मच तेल डाल दिया था। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसको बटर लगा के आप पका लीजिए, बच्चे इसे बहुत ही प्यार से खाएंगे। तो दोस्तों, ये एक हेल्दी नाश्ता होने के साथ साथ आपके बच्चों के टिफिन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये देखिए, इसे मैंने दोनों ओर से अच्छी तरह पका लिया है। अभी मैं इसे निकाल कर लेता हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।